नमस्कार मेरे साथियों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम में एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म सी एजुकेशन न्यूज तो भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सी आई सब के बारे में सी आई सब एस सी एम की आज है वो एग्ज़ाम कराई गई थी और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपके दो शिफ्टों के एग्ज़ाम रिव्यू आपको दिए जाएंगे आपको जितने भी डाउट है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर किए जाएंगे कि आपके जो डाउट है वो कौन कौन से वो इस वीडियो के अंदर क्लियर किए जाएंगे वो मैं आपको बता दूं कि कितने परसेंट बच्चे फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में एग्जाम देने आए थे ठीक है सेफ स्कोर क्या रहने वाला पेपर का लेवल कैसा था आंसर की कब तक आएगी नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी उससे पहले जो बच्चे इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं वीडियो को लाइक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आपका भाई आपके लिए सी एस एफ हो या सी आई की जो भी बढ़ती हो वो आपको शुरू से लेकर अंत तक कवर करता है और हम जो जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सही ही साबित करवाते हैं कट ऑफ की बात नहीं करेंगे कट ऑफ की आपके आंसर की आने के बाद बताएंगे सेफ स्कोर आपको बताया बता बता जाएगा कि ज़्यादातर बच्चे कितना स्कोर बता रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा तो चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेकर चलता हूँ पहले पहले वाली शिफ्ट और सेकंड वाली शिफ्ट दोनों को अलग अलग आपको पूरा वीडियो आपको देखना है जिस जिस बच्चे की फर्स्ट वाली शिफ्ट है तो फर्स्ट वाला पार्ट आप देख सकते हो सेकंड वाला पार्ट में सेकेंड शिफ्ट की बात की जाएगी तो दोनों एक साथ ही मैं आपको अपलोड करूँगा इसी वीडियो में आप अलग से वीडियो नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा हमें आपको जानकारी प्रोवाइड करानी है तो हम एक वीडियो के अंदर ही प्रोवाइड करा देंगे तो चलिए आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेकर चलता हूँ ये आप था थंबनेल देख सकते हो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सभी डाउट पर आपको क्लियर करेंगे इसमें एक आप नॉर्मलाइजेशन का भी जोड़ सकते हो नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आपको जानकारी वो प्रोवाइड कराई जाएगी तो चलिए मैं वाइट बोर्ड के ऊपर लेकर चलता हूँ पहले फर, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं आपकी फर्स्ट शिफ्ट की तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि कितने परसेंट बच्चे वो एग्ज़ाम देने पहुंचे तो मेरी आपकी इस आपको लाइव आपका वीडियो नहीं आ पाया कुछ कारणों के कारण कि आपका सेंटर से लाइव वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कराया गया पर मेरी बच्चों से जो एग्ज़ाम देने गए हैं उनसे जो आपकी जानकारी मिली है उस हिसाब से बताएँ और हमारे जो सोर्स है उसके हिसाब से भी बताएँ तो आपके एट्टी से नाइन्टी बच्चे यहाँ पर है वो एग्ज़ाम देने पहुँच रहे हैं लगभग क्योंकि यहाँ पर जिस बच्चे ने अगर फिज़िकल पास किया है फॉर्म भरा है तो इतनी जो मेहनत कर रहा है वो बच्चा एग्ज़ाम देने तो जरूर जाएगा तो यहाँ पर लगभग एटी फाइव से नाइन्टी फाइव बच्चे हैं वो एग्जाम देने पहुंचे हैं अब बात करते हैं पेपर की ठीक है पेपर का लेवल कैसा था तो भाई आपको पता है कि एग्जाम टीसीएस से आपका ये एग्जाम वो कराया जा रहा है तो इसके अंदर आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन जो भी एग्ज़ामें होती हैं उसके अंदर आपको जिस जिस पार्ट के अंदर हार्ड आता है वो उस, उसी उसी हिसाब से आता है अब मैथ और रीजनिंग तो देखिए सभी बच्चे बोल रहे हैं कि ईजी है ईजी है ईजी है ठीक है तो इनकी बात छोड़ सकते हैं हम आपका मैथ आपका रीजनिंग और यहाँ पर आपके जो है हिंदी ये तीन सब्जेक्ट है जी जिनमें लगभग बच्चों कह, कह रहे हैं कि सर यहाँ पर इस इनका लेवल है वो इजी ही था तो यहाँ पर आपका जो जीके का है ना जीके का अब जीके में क्या होता है करंट और ये दोनों आते हैं तो इसमें भी बच्चे कह रहे हैं कि ये सर हार्ड है तो उस हिसाब से आपको बताया जाए तो पेपर का लेवल है तो वो आपका न तो ईजी था ना हार्ड था मीडियम टू हार्ड के बीच में इसका आप रख सकते हैं ठीक है मीडियम लेवल का पेपर था मीडियम से हार्ड के बीच में इसको रख सकते हैं इजी पेपर नहीं था ये नहीं बोल सकते कि इस कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने 80 कर दिए नाइन्टी फाइव में सही कर करके आए हैं तो वो भाई अभी हवाबाजी कर रहे हैं अभी आंसर की आएगी आ, आएगी तो आपको मैं बता दूंगा कितने नंबर बन रहे हैं ठीक है वो जो नाइन्टी वाला बंदा भी है वही बोलेगा मेरे साठ सत्तर नंबर बन रहे हैं क्योंकि जो बोलना है और हकीकत में होना वो बहुत अंतर होता है ठीक है आपके मैंने दो डाउट क्लियर कर दिए हैं बाकी के आपके जो डाउट है सेफ स्कोर की बात करें ठीक है सेफ स्कोर की बात कर लें और यहाँ पर आंसर की और नॉर्मलाइजेशन पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी दे दूँगा आपका नॉर्मलाइजेशन 100 परसेंट इसके अंदर कराया जाएगा तो आपके को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिस बच्चे ने कम क्वेश्चन किया है तो अटेंड किया है तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा सेप स्कोर वो कितना रहने वाला है तो भाई मैं बता दूँ जिस बच्चे ने एट्टी सेवेंटी फाइव से एट्टी के बीच में स्कोर किया है वो सेप स्कोर रहने वाला है सी एस एफ एस सी एम के अंदर फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए ठीक है और यहाँ पर आंसर की कब आएगी तो पाँच से सात दिन के अंदर आंसर की वो जारी कर दी जाएगी जैसे ही आंसर की आपकी जारी की जाएगी तो आपको वीडियो बनाकर आप अपडेट दे दे दिया जाएगा डायरेक्ट आपको आंसर की किस के प्रकार निकालनी है वो भी बताई दी जाएगी और उसके एक या दो दिन के बाद में आपको फाइनल कटो भी बता दी जाएगी इतने इतने नंबर वालों का सलेक्शन होगा ठीक है अब बात कर लेते हैं सेकेंड आपकी सेकेंड शिफ्ट वालों की ठीक है अब सेकेंड शिफ्ट में भी आप कितने परसेंट है बच्चे हैं वो पहुँचे तो देखिए इसमें भी सेम बच्चे पहुँचे ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा भाई फॉर्म भर रहा है फिजिकल की तैयारी कर रहा है फिजिकल पास कर रहा है और वो एग्ज़ाम देने नहीं आए तो इसमें भी भाई आप बोल सकते हैं 85 से 95 परसेंट बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देने पहुंचे हैं उसके बाद में बात करते हैं आपका पेपर का लेवल का तो यहाँ पर आपका पे, 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 पेपर का लेवल है वो थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है ठीक है पेपर का लेवल है वो हार्ड बताया जा रहा है फिर भी हमारे जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से बच्चों से बात हुई है उस हिसाब से आपको बताया जाए तो यहाँ पर मैथ और तो रीजनिंग इसमें ईजी आई है ठीक है हिंदी में कुछ बच्चों के डाउट है कि सर इसमें मेरे इतने गलत हो रहे हैं ये मेरे डाउट हो रहा है ठीक है हिंदी में थोड़े बच्चों के डाउट है और जीके की बात करें तो जीके करंट जीके तो भाई बाहर से आता है सबको पता है कि कुछ एक या दो क्वेश्चन आपके सही कर सकते हो करंट आपका कहाँ से उठा के लाते हैं पता नहीं है और जो स्ट्रेटिक जीके है वो तो ईजी आई है ठीक है तो इसमें आपका पेपर का लेवल मैं आपको बताऊंगा इसमें भी आपका मीडियम टू हार्ड आपका इसमें रहने वाला है इजी ये भी पेपर नहीं था कुछ बच्चे बोलेंगे इजी था इजी नहीं था भाई कोई भी पेपर है वो इजी नहीं रहता है जब आंसर की वो नंबर आते हैं तब पता चलता है कितना इजी था और कितना हार्ड था बात करते हैं आपकी सेफ स्कोर इसमें कितना रहने वाला है तो सेफ स्कोर भाई इसमें आपका 80 से 85 परसेंट वाले बच्चे हैं वो अपना सेफ स्कोर है वो मान सकते हैं बाकी जो आपकी कट ऑफ है वो आपके हम आपको जैसे आंसर की जारी की जाएगी उसके बाद में अलग से वीडियो प्रोवाइड करा करा के बताए बताएंगे जिसके अंदर आपकी कट ऑफ की जानकारी मिलेगी ठीक है तो अभी जो हमारे एनालिस किया गया है एग्ज़ाम सेंटर के द्वारा वहाँ से और बच्चों से जो जानकारी मिली है वो 80 से 85 बच्चे परसेंट अगर जिस 80 से 85 यानी परसेंट भी बोल सकते हो और 85 ये या आप क्वेश्चन भी बोल सकते हो जिस बच्चे ने इतना पेपर है, अगर सही किया है तो वो आपका सेफ स्कोर में रहने वाला आंसर की मैंने आपको बता दी पाँच से सात दिन में आने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आपने मैंने मैंने, मैंने पिछले बारी शिफ्ट में बता दिया है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है ये मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की आपको जानकारी दे दी है और भी बच्चों के जो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके कर भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो ठीक है मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों